नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं आपके साथ अमृता पाल। कोचिंग सेंटर जाने वाली एक नाबालिग बच्ची का बीते दिनों अपहरण हो गया था। इसकी शिकायत जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली, पुलिस ने मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर ही नाबालिग बच्ची को ढूंढ निकाला, जबकि बच्ची के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर IPC की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। क्या है मामला? शहर की एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक नाबालिग छात्रा कोचिंग जाने के दौरान गायब हो गई थी। परिजनों ने 13 दिसंबर को मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए तत्काल ही कार्रवाई शुरू कर दी। CCTV ने दिया सुराग। शहर में विभिन्न चौराहों पर लगे CCTV फुटेज को जब पुलिस ने खंगाला तो उसमें बच्ची एक 30 वर्षीय युवक के साथ दिखाई दी, जिसकी पहचान स्कूल मारुति वैन ड्राइवर बैतूल निवासी शरद पिता रवि चौरसिया के रूप में हुई। बैतूल बॉर्डर में किया गिरफ्तार आरोपी शरद चौरसिया को पुलिस ने नाबालिग को ले जाते हुए होशंगाबाद बैतूल जिले की बॉर्डर ग्राम केसला में गिरफ्तार किया। सर, क्या मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण का? 13 तारीख को रात में एक FIR हुई थी, जिसमें राधिका गुप्ता नाम की लड़की है, वो कोचिंग के लिए गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई थी, तो उनके पिताजी ने रिपोर्ट किए थे वहाँ पे थाना कोतवाली में, तो अपहरण का मामला पंजीबद्ध हुआ था। तो कोचिंग सामने से गई थी, वहाँ का CCTV फुटेज घर पे देखे थे अपन, तो एक गाड़ी में एक लड़का दिख रहा था जिसकी पहचान की थी अपने परिवार वालों की, शरद नाम का लड़का है, शरद चौरसिया, जो कि उसके स्कूल में पहले स्कूल वैन चलाता था, उसके रूप पहचान की थी, तो उसका एड्रेस पता किया, बैतूल का होना बताया। तो थाना प्रभारी महोदय द्वारा हमारे मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत एक टीम बना के भेजी गई बैतूल। बैतूल में पता किया हम लोग, तो बैतूल से पता चला कि वो घर पे नहीं है, भोपाल तरफ गया है, तो उसका साइबर सेल से सीरिया निकाल के पता किया गया, तो उसकी लोकेशन होशंगाबाद इटारसी के आसपास आ रही थी। तो रातों रात हम लोग बैतूल से इटारसी गए, इटारसी में केसा थाने के पास उनकी लोकेशन मिली, तो हम लोग वहाँ के लोकल स्टाफ की सहायता से बस स्टैंड पास मिले, वो लोग बता रहे थे भोपाल जाने की फिराक में है, इस प्रकार से उनको पकड़ा गया और लाया गया। पूछताछ की गई तो बताया कि वो ले गया था शादी करने के लिए, शादी करना चाहता है लड़की से, उसको बहला फदा कर ले गया। ये मामला पूरा, आरोपी का नाम है शरद चौरसिया, बैतूल रहने वाला। किन धाराओं के तहत मामला? 363, 342, 366। छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए खबर 9 में।